क्या आपने कभी मक्खियों पर किसी मखसूस किस्म की आवाज का असर होते देखा है? देखा तो हमने भी नहीं, लेकिन सुना है कि लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी के शोबे लाइफ साइंसेज में इसी तरह की एक मुनफरिद तहकीक का सिलसिला जारी है। इस लेबोरेटरी में गुज़िश्ता 14 साल से फ्रूट फ्लाई के 200 से ज़ायद जीन्स दरियाफ्त हुए हैं। फ्रूट फ्लाइज को इन्हीं तजुर्बात से गुजारने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक और उनकी टीम को चंद साल कबल मालूम हुआ कि पाकिस्तान के चंद अस्पतालों में मरीजों को कुरानी सूरह रहमान बतौर थेरेपी सुनवाई जा रही है और मरीज शफायाब भी हो रहे हैं, जिसने बतौर साइंसदान उन्हें सोचने पर मजबूर किया। हमने यहाँ पे दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए। एक तो हमने फ्रूट फ्लाइज पे ही किए, वो एक ख़ास किस्म की मक्खी थी जिसमें एक ख़ास म्यूटेशन थी और उसकी जो उम्र है वो कम हो जाती थी। ये काम मेरी एक पीएचडी स्टूडेंट है नजमा शाहीन, उसने अपनी पीएचडी में साथ ये काम शुरू किया। उन मक्खियों को उसने वो सूरह रहमान एक चेम्बर में सुनवाना, उसने देखना कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं कि नहीं होते। यहाँ नमूनिया की वजह बनने वाले बैक्टीरिया से लेकर बैक्टीरिया से मुतासर इंसानी सेल्स पर न सिर्फ सूरह रहमान के असरात का मुशाहिदा किया गया, बल्कि मौसीकी की मुख्तलिफ आवाज़ों को भी आजमाया गया और अब दिमागी लहरों पर इसके असरात का जायजा लिया जा रहा है। और यहाँ होने वाले तमाम तजुर्बात फिलहाल तहकीकी मराहिल में हैं। एक इंसान जो कुरान शरीफ के सुनने की कैफियत में है और एक इंसान जो कंट्रोल स्टेट में है, उसको कोई स्टिमुलस नहीं है, उन दोनों की ब्रेन वेव्स के दरमियान कोई मुताबकत है या कोई फ़र्क है, इस चीज़ को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। कैनेडी स्कूल ऑफ मेडिसिन में जो कि NIH का एक इदारा है, उन्होंने अब एक इनिशिएटिव शुरू किया है, उसका नाम है द साउंड हेल्थ। वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनवा के देख रहे हैं कि क्या अल्जाइमर पे, पार्किंसन पे, हंटिंगटन पे, जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, क्या उन पे कोई असर आता है आवाज़ का। ये है सर्विसेज अस्पताल का ICU वार्ड, जहाँ से सिलसिले की इब्तिदा हुई। 2010 से मुख्तलिफ बीमारियों के साथ यहाँ आने वाले मरीजों के तजर्बात मुख्तलिफ रहे। मैं यहाँ पे आई थी 2015 में, अपने ए लेवल्स में थी मैं तब, और मुझे ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुई थी। मैं इतना सूरह रहमान वाला एक्सपीरियंस बताऊँ, 7 डेज सुननी होती है। पहली बार मैंने बिल्कुल दिल से नहीं सुनी थी और 4th-5th डे पे आई रिमेंबर मैं जो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मैं बैठने में मुझे मुश्किल होती थी, इट ऑल डिसअपीयर्ड ओवरनाइट। पहला जो बेबी हुआ था वो मोस्ट 8 साल के बाद हुआ था, तो अब जो दूसरा बेबी हुआ है हमारा वो 2 साल के बाद हुआ है। मैंने जो इसका एक्सपीरियंस किया ना, वो ये है, मैं जीसस को ढूंढ रहा हूँ, मुस्लिम भाई मेरे वो अल्लाह को ढूंढ रहे, सेम एक ही है। सर्विसेज अस्पताल में सूरह रहमान को बाकायदा थेरेपी के तौर पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने शुरू करवाया, जिन्हें 1999 में एक HIV/AIDS के मरीज के इलाज के दौरान हादसाती तौर पर सुई चुभ गई और वायरस जिस्म में दाखिल हो गया। एक जूनियर डॉक्टर के सूरह रहमान थेरेपी मुतारिफ कराने पर डॉक्टर जावेद ने इसे बतौर टोटका लिया, लेकिन 5 साल की बीमारी के बाद टेस्ट क्लियर आने पर उन्होंने ये तजुर्बा उन मरीजों पर आजमाना शुरू किया जो इसके लिए रजामंदी जाहिर करते थे, और फिर शफा पाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन चैलेंजेस भी साथ साथ चलते रहे। पहले मैंने इसे मेडिकल पेपर के तौर पर लिखने की कोशिश की पाकिस्तान में, उस वक्त उन्होंने डेटा इकट्ठा किया था, मेरा ख्याल है 131-132 पेशेंट थे 5 सालों में जो आए थे और वेंटिलेटर्स पे गए हुए सीरियस पेशेंट्स, CPR हुए हुए, हार्ट रुका हुआ, उनमें से 112 बच गए, जो कि मेडिकल बुक कहती है कि 100% मॉर्टेलिटी है। वो बहुत बड़ा डाटा था, वो 81% सक्सेस रेट था। उसको हमने जहाँ भी छपवाने की पाकिस्तान में कोशिश की, हर एक ने ये कहा कि डॉक्टर साहब इसमें से ना आप सूरह रहमान निकाल दें, आप इसे करें कि गुड नर्सिंग केयर से ऐसे हुए। अब पाकिस्तान में ICU की नर्सिंग केयर सरकारी अस्पताल में, जहाँ एक नर्स बेचारी 5 बेड देख रही है, 2 नर्सें पूरे 10 बेड का ICU देख रही हैं वेंटिलेटेड पेशेंट्स को, वहाँ क्या नर्सिंग केयर का स्टैंडर्ड होगा, तो वो नहीं छापने पे कोई भी तैयार हुआ। मरीजों के दादोशुमार के बावजूद बेशतर साइंसदान इन नतायज से इनकारी हैं, लेकिन तहकीक करने वाले माहिरीन कहते हैं कि इंसानी खुलियात, जीन्स और दिमागी लहरों पर इसके असरात साइंसी एतबार से साबित होने में वक्त तो लग सकता है, लेकिन मरीजों का डेटा न सिर्फ उनकी तहकीक बल्कि इस तरीके इलाज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। समन खान, लाहौर।